हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कल आज और कल। मेरा नाम आशीष है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि जिससे हम सोशली इन्फ्लुएंस कर सकें इंडिया को और शायद इंडिया एज वेल पूरी दुनिया को। एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। आज मैं बात करूँगा, एक US में कॉम्पिटिशन होता है वर्ल्ड ऑफ डांस का। आपको पता नहीं होगा, वर्ल्ड ऑफ डांस का भी एक कॉम्पिटिशन है जिसमें दुनिया भर से देश पार्ट लेते हैं। आई थिंक 2019 में 60-70 देशों ने इसमें पार्ट लिया हुआ है। तो इस बार हम जीते हैं, इंडिया जीती है। हमारा एक ग्रुप है दी किंग्स करके, एक 14 मेंबर्स का ग्रुप है, वो जीते हैं इस बार दी किंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ डांस 2019 का। ये इनका फाइनल हुआ था 5 मई 2019 में। तो उनको एक प्राइज़ बनी है, 5-7 करोड़ की प्राइज़ बनी, जीते हैं उसके बाद। वो कहा है कि जो वहाँ के उससे जजेज हैं, जेनिफर लोपेज हैं, नियो हैं और डेरेक हो गए, उनकी परफॉर्मेंस देख के बहुत तारीफ़ कर रहे थे वो कि हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं कभी लाइफ में। इंडिया का एक ग्रुप और जो इस 14 मेंबर ग्रुप द किंग की खास में बात ये है कि ये एक जो इसकी एज ग्रुप है वो 17 साल से लेकर 27 साल के बच्चे हैं। वो उन्होंने परफॉर्म किया US में जेनिफर लोपेज, नियो और डेरेक के सामने। तो कहा तो ये भी गया है कि ये इस परफॉर्मेंस देखने के बाद जेनिफर लोपेज ने अपना शूज़ निकाल के फेंका उनके ऊपर, जो कि जिस शूज़ की कीमत थी 5 करोड़ के जूता फेंका इन लोगों के ऊपर एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मैंने ऐसा परफॉर्मेंस लाइफ में कभी नहीं देखा। इन्होंने शुरुआत करी थी मुंबई से 2008 में सड़कों में। उसके बाद ही इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 में आए थे, तो अब वहाँ पर उन्होंने 3rd पोजीशन जीती। उसके बाद बहुत प्रैक्टिस की, बाहर गए, US गए और वर्ल्ड ऑफ डांस 2019 जीता है और उन्होंने 7 करोड़ की प्राइस मनी जीती है। आज कपिल के शो में भी आया ये लोग, प्लीज़ वॉच कीजिए। और हमें लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म पहले ही देना है ताकि जस्ट वी शुड पिक देम अर्ली सो दैट वो डांस में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में जल्द से जल्द पेस पकड़ पाए, स्पीड पकड़ पाए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। थैंक यू।